Hello, friends. मैं आज बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाने लगी, तो बस कुछ भी नहीं, बस ऐसा सिंपल सा आटा मैंने गूंद के रख लिया है। डो का आटा मैंने तैयार कर लिया, और इसमें क्या क्या मैंने डाला है मैं अभी आपको बताती हूँ। वहाँ पे ये चिकन है, इसलिए सिंपल मैं बस ऐसे ऑयल लिया था, थोड़ा सा उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टीस्पून, और उसमें थोड़ा सा टिक्का मैंने मसाला डाल के इसको फ्राई, सिंपल फ्राई कर लिया अंटिल ये पानी ड्राई हो जाए और चिकन डाल जाए। ये एक ब्रेस्ट पीस है। इस तरह आपने चिकन तैयार कर लेना। और आटे के लिए मैंने 1/2 kg मैदा लिया था, और उसमें मैंने 1/2 ईस्ट मेरे पास जो था वो मैंने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये 1/2 पैकेट जो है ईस्ट का, ये ड्राई ईस्ट है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा बेकिंग पाउडर, मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर अबाउट 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मिलाया। इसके अलावा मैंने इसमें 3 चम्मच जो है वो भर के ड्राई मिल्क के डाले हैं, और 1/2 कप मैंने जो है वो इसमें दूध डाला है, 1/2 कप दूध डाला है। और इसके और मैंने लूकवॉर्म वाटर के साथ से इसको मैंने गुनगुने पानी के साथ गून लिया है। नमक इसमें मैंने तकरीबन 1/2 जो है चाय का चम्मच वो शामिल किया है, और 3 जो है टीस्पून मैंने इसमें चीनी के डाले, और इसे गून के मैंने तकरीबन 1.5 घंटा हो गया कि गूंदा था, ये 1/2 था और अब ये राइज हो गया, अच्छे से राइज हो गया है। अभी और होगा जब तक कि मैंने बनाना है, तब तक अच्छी तरह ये राइज हो जाएगा। मैं बस ये चिकन फ्राई कर रही हूँ, और साथ अब मैं इसके साथ साथ वेजिटेबल्स भी जो हैं वो काट रही हूँ। आटा जो है वो रेडी हो गया था, राइस हो गया था, तो मैंने उसको अच्छे से गूंदने के बाद उसमें से ये देखिए तकरीबन 1/2 किलो में से ये 2 बड़े साइज़ के ना पेड़े बने थे, और एक जो है वो मैंने इस पर स्प्रेड कर लिया। ये एक बड़े साइज़ का लार्ज, बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज ही है जो ये पिज़्ज़ा बनेगा। और इसकी टॉपिंग के लिए जो है वेजिटेबल्स जो है मैंने लिए, कैप्सिकम जो है वो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी, तो हम कैप्सिकम लिए मैंने। मशरूम्स हैं, और ये कुछ जो है ये ग्रीन ऑनियन है, ये मेरे पास फ्रीज पड़ा हुआ था तो वो मैंने फ्रीज़र में से जो है वो निकाला है। और चिकन मैंने ये बारबेक्यू, देखिए आप ये तैयार है बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर ये कलर भी आया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ रेडी करके रखा हुआ है। मेरी बेटी जो है वो सिर्फ चिकन वाला ही खाती है, तो इसलिए मैंने चिकन भी वाला बनाया है। और इसके अलावा मैं कॉर्न जो है वो भी इसमें डालूंगी, क्योंकि कॉर्न भी पिज़्ज़े में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो है ये सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद बनाई है, और ये भी मेरे पास रेडी मैंने की हुई थी, तो पड़ी हुई थी ये मेरे पास, ये भी मैंने फ्रीज़ की हुई थी कि जब जल्दी में बनाना हो तो इजी हो जाता है, कि आज मेरे बच्चों का दिल कर रहा था, तो अभी वो स्कूल से आने वाले हैं, तो मैं इसलिए जल्दी से ये मैंने चीज़ें निकाली हैं, और मैं ताकि मैं जल्दी से इनके लिए पिज़्ज़ा जो है वो बना लूँ। और ये पिज़्ज़ा जो है वो मैं डिफरेंट इसको पार्टीशन करके इसको बनाऊँगी, जिसको जैसा पसंद है। जब मैं इसकी पहले पूरी इसको पार्टीशन कर लूँगी किस तरह मैं किस पे क्या लगा रही हूँ, तो फिर मैं आपको बता दिखाऊँगी कि ये कंप्लीट किस तरह मैंने इसको वेजिटेबल्स, चिकन और सॉस के साथ किया है। सबसे पहले जो है वो, और ये जो इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है चीज़, ये मेरे पास चीज़ है बेला पिज़्ज़ा मिक्स 40, ये मिक्स चीज़, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ है ये मैं टर्की स्टोर से
लेकर आई थी पूरा पैक। ये बन काफ़ी जो है वो इसमें 1 kg थी, तो काफ़ी जो है वो यूज़ हो चुकी है। तो ये इसकी टॉपिंग मैं डालूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो पिज़्ज़े में जो है वो पसंद नहीं है, बस नॉर्मल मैं डालती हूँ। सबसे पहले मैं सॉस लगाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ डालूंगी और फिर मैं उसकी टॉपिंग करके फिर ऊपर जो है वो चीज़ डालूंगी। अब ये देखिए मैंने इस पे सारी टॉपिंग कर दी है, और इस साइड पे अगर आप देखेंगे ये मैंने इतनी हाफ जो है इस पे मैंने ये सिर्फ वेजिटेबल्स और चिकन सब कुछ इस इधर इस साइड पे ऐड किया है, और इधर सिर्फ इस साइड पे सिर्फ चिकन ही है और चीज़ है, और यहाँ पर मशरूम है और चिकन है। ये मैंने इसकी लाइक 3 उसमें किया है कि ये साइड्स जो हैं ये बच्चों के लिए हैं, क्योंकि मेरे बेटे को जो है वो सिंपल सिर्फ ये मशरूम्स और चिकन वाला पसंद है, और बेटी को चिकन वाला, और हम वेजिटेबल्स वगैरह का वाला शौक से खाते हैं। तो इसलिए मैंने एक पिज़्ज़े में ये ऐड इस तरह से किया है ताकि सबको जो है वो अपनी पसंद का टेस्ट जो है वो मिले। तो अब ये बेक करने के लिए रखने लगी हूँ, फिर इसके बेक होने के बाद फिर देखते हैं कैसी इसकी लुक आती है। ये ऑलिव ऑयल है जो कि मैं खाने में जो चाइनीज़ फूड या बनाऊँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। तो ये मैं इसकी जो इसकी साइड्स हैं ये वाली, ये वाइट जो साइड्स हैं ये इस पे सारी ये वाला ऑयल जो है ये लगा दूँगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। आप कोई भी ऑयल आपके पास है आप वो इस पे लगा सकते हैं। ओवन मैंने 15 मिनट्स हो गए हैं मैंने ऑन किया हुआ है, और प्रीहीटेड ओवन में ही होना चाहिए। प्रीहीटेड करने के बाद ही पिज़्ज़ा जो है उसको रखना चाहिए। इसमें अब जो है पहले 200 पे मैं रख रही हूँ, 200 सेंटीग्रेड पे, और डबल ग्रिल जो है वो मैंने ऑन की हुई है। आप देख लें अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आप या तो 200 पे या फिर 250 और 200 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर जो है पिज़्ज़े के लिए ठीक रहता है, मैं इसी पे बेक करती हूँ। आप ये देखिए तो पिज़्ज़ा अच्छे से राइज हो गया है, आप बस इस पे कलर आ जाए। खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, अब देखें तो ये इसका कलर है नीचे से भी बिल्कुल, ये देखिए कुक है। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं खाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे थम्स अप दीजिए, और बनाइएगा ज़रूर पिज़्ज़ा, और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।